आज की कहानी है बहू, इस बार तूने बच्चा पैदा नहीं किया तो मैं तलाक दे दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देख ले, घड़ी में 8 बजने को आए हैं और अभी तक महारानी का कुछ अता पता नहीं है। हमारे ज़माने में तो क्या मजा जो मर्द घर में आ जाए और औरत बाहर रहे, परंतु आजकल का तो ज़माना ही पता नहीं कहाँ जा रहा। गुस्से में शिलाजी अपनी बहू आराध्या को कोस रही थी। अरे माँ आ जाएगी, क्यों आप चिंता करती हो, बच्ची थोड़ी है, कुछ काम था उसको, देरी हो गई। मुझे मैसेज आया था कि आज घर आने में देरी होगी, अनिरुद्ध बोला, वो भी दफ्तर से थका मादा घर पर आया था। ठीक है, जब घर में किसी ने मेरी सुनी नहीं तो मुझे कहने का फायदा ही क्या। तुम दोनों बस अपनी दुनिया में मगन रहो। गुस्से में शिलाजी बड़बड़ा रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज उठी और आराध्या अंदर आ गई। अनिरुद्ध मन ही मन ईश्वर को प्रार्थना कर रहा था कि बस माँ थोड़ी सुख रही, नहीं तो अभी घर में क्लेश हो जाना था। माँ का मूड बहुत बिगड़ा हुआ था। शिला आराध्या से बोली थी, क्या बात है बहू, ये कोई समय है घर आने का। सुबह की गई बहू थक हार कर घर लौटी थी, परंतु ना बैठने दिया। आती सास की बात सुनने को मिली अलग, फिर भी होठों पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, माँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिया था, वहाँ सली गई थी इसलिए देर लग गई। कहते हुए रसोई में सली गई और पानी लेकर पीने लगी। इतने में पीछे से शिलाजी की पुनः आवाज आई, इतने समय से डॉक्टरों की शक्ल लगा रही हो, मगर कुछ हुआ तो आज तक नहीं है। इस बार तुम्हारी डॉक्टर के पास मैं भी चलूंगी, पता नहीं इतने बड़े शहर दिल्ली में जगह जगह पर फर्टिलिटी सेंटर खुले हुए, मगर तुम ऐसी कौन सी डॉक्टर के यहाँ जाती हो जहाँ पर तुम्हारा इलाज ही सही से नहीं हो पा रहा। शिलाजी की बात सुनकर आराध्या हैरान थी। उनके शब्दों से साफ साफ समझ आ रहा था ये शब्द उनके अपने नहीं है, मानो किसी ने उनके मुंह में डाले हुए। किसी से वो ये सब बातें सुनकर आई हैं। भरी आंखों से आराध्या ने सास को देखते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ अगली बार आप और अनिरुद्ध दोनों ही मेरे साथ चलना, शायद कुछ एक साथ हल निकल सके। कहते हुए सुब साहब कमरे में चली गई। सट गया महारानी जी को गुस्सा और अभी तो जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती है। 5 साल होने को आई इस घर में एक बच्चा तक तो दे नहीं पाई है और गुस्सा देखो हर समय नाग पर बैठा रहता। शिला बोली और वह भी थमथमाते हुए कमरे में चली गई। सिर पर हाथ रखकर अनिरुद्ध बैठा था। पता था कि माँ और बीवी के बीच आज उसी को पीसना पड़ेगा। रात को जैसी शिलाजी बिस्तर पर लेटी तो उन्हें शाम के कीर्तन का वो वाक्य याद आ गया। शिला मैं तो कहती हूँ कि तू एक बार खुद जा बहू के साथ डॉक्टर के यहाँ। कई बार ये आजकल की लड़कियाँ बस हमें ही बेवकूफ बनाती हैं। कीर्तन में आई विमला ने कहा, अरे ऐसा भी नहीं होता है कि इतने बड़े दिल्ली जैसे शहर में डॉक्टर से इलाज करा रहे और गोद ना भरे। आजकल तो इतनी नई नई तकनीकी आ गई है, मगर लगता आजकल की लड़कियां बस अपने फिगर खराब होने के चक्कर में माँ बनना नहीं चाहती। राधा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या मेरे मायके में एक आयु व्यर्थिक दवा खाना, वो भी दवाई देता, देखना बहू के पाप उसकी दवा से भारी हो जाएंगे, सही हो तो मुझे बताना। सुब साहब कीर्तन मंडली में उन औरतों की बातें शिलाजी सुन रही थी। बात तो सही थी, बेटे और बहू के विवाह को 5 साल होने को आए थे, परंतु अभी तक बहू की गोद सुनी थी। शिला के 2 बच्चे थे अनिरुद्ध और आसिमा। बेटी का विवाह हो चुका था और वह 2 प्यारे बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, परंतु अनिरुद्ध को अभी तक बाप बनने का
अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। उधर अनिरुद्ध और आराध्या के शयन कक्ष में अनिरुद्ध आराध्या को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। अरे छोड़ो ना, तुम भी माँ की बातों में आ गई, उनके दिल में कुछ नहीं है, किसी से कुछ सुना होगा तो बोल दिया होगा यूं ही, मुझे पता तुम कितना प्रयत्न कर रही हो। परंतु आराध्या ने अनिरुद्ध को गहरी नजरों से देखा और मुंह फेर कर सो गई। ना जाने उसकी गहरी आंखों में कितने सवाल दे रहे थे और शायद अनिरुद्ध उनका सामना नहीं कर सकता था। सो उसने भी हर रोज की तरह अपना लैपटॉप खोला और काम में व्यस्त हो गया। शीला जी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि शायद उनकी बहू ही कहीं ना कहीं उसे झूठ बोल रही है। इस बार तो मानो मन में ठानी ली थी कि अगली बार आराध्या के साथ डॉक्टर के पास जाएगी। हालांकि अनिरुद्ध ने बहुत कोशिश की रोकने की, परंतु इस बार वह आराध्या के साथ डॉक्टर के पास चली गई। शीला जी डॉक्टर से बोली, डॉक्टर आराध्या इतने सालों से आपके पास इलाज करा रही, अब तो मेडिकल साइंस ने भी तरक्की कर ली, फिर भी ना जाने क्यों हमारी बहू को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। समाज में हमारी बहुत बदनामी होती और मेरे इकलौते बच्चे का आंगन क्या इसी तरह सुना रह जाएगा। आराध्या ने इशारे से सासू माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उनको तो जैसे मन की भड़ास निकालने का एक जगह मिल गई। अनुभवी डॉक्टर सुनिधि बोली, माफ कीजिएगा माँ जी, हो सकता है आप अधिक पढ़ी लिखी ना हो परंतु अनपढ़ भी नहीं लग रही हैं। जिस तरह हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होता, उसी तरह हर औरत भी बोझ नहीं होती। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, आपकी बहू का सही तरीके से इलाज हो रहा, परंतु आपके वंश ना बढ़ने का एक मुख्य कारण आपका बेटा भी है। डॉक्टर की इतना कहती शीला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहना चाहती हैं आप, जरा खुलकर बताइए। डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे पर किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं लगा सकती। आपको पता है हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति क्या है कि यहाँ पर बच्चा ना होने पर हर औरत को बहुत समझा जाता है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि कमी पुरुष में हो। कितनी बार आराध्या को मैंने कहा है कि अपने साथ अपने पति को लेकर आए ताकि मैं उनका भी चेकअप करके उसी निर्णय पर पहुंच सकूं, परंतु आपका सुशिक्षित बच्चा तो अस्पताल में किसी भी प्रकार के चेकअप कराने के लिए मानता ही नहीं। और आप भी एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ रही, अपने बेटे को समझा बुझा कर मेरे पास भेजने की बजाय आप अपनी बहू पर ही दोष लगा रही हैं। और आपने तो बिना किसी जुर्म के साबित हुए मानो एक निर्दोष व्यक्ति को गुण हगार का तमगा दे दिया। डॉक्टर सुनिधि की बात सुनकर हैरान शीला आँखें झुका कर बोली, डॉक्टर साहिब असल में आराध्या ने मुझे तो इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था, अब तो पता चल गया ना, तो अब आप अपने बेटे को मेरे पास भेज दीजिएगा ताकि उनका भी मैं निरीक्षण कर सकूं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकूं। लेकिन जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देगी, यदि दोष आपके बेटे में हुआ तो क्या समाज में खड़े होकर आप इस बात का जिम्मा अपने बेटे पर डालेंगे कि आपके घर का वंश बढ़ाने में नाकामयाब आपकी बहू नहीं आपका बेटा होगा। शीला जी के पास डॉक्टर सुनिधि के इस कटास का कोई उत्तर नहीं था कि उनकी निश्चिति और मन में एक भय और शंका भी की थी कि यदि अनुरोध में कोई दोष निकला तो वह आराध्या और समाज का कैसे सामना करेगी। आराध्या भी जानती थी कि उसकी सास के मन में क्या चल रहा। जब से डॉक्टर सुनिधि के यहाँ से आई थी, दो दिन से सासू माँ गुम सुम ही बैठी थी। अनुरध ने आराध्या से इसका कारण पूछा, क्या बातें माँ को क्या हुआ। आराध्या को सब सच बताना ही पड़ा। मैं तो कहती थी कि आप एक बार मेरे साथ डॉक्टर के चलिए, मम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा, परंतु आपके शायद हमको इतनी ठेस लगी थी, अब आप खुद ही जाकर मम्मी से पूछिए कि
वो क्या शादी है, कहते हुए आराध्या रसोई में चली गई। अनुराध में प्यार से माँ के पास जाकर पूछा, माँ तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास चले, तुम्हें कोई दवाई ला देता हूँ। लालजी ने अनुराध का हाथ थामते हुए कहा, बेटा मेरी बीमारी का इलाज दवाई में नहीं तेरे पास है, क्या तू डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए चलेगा। सुशी कष्ट अनिरुद्ध जो कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि कमी उससे में निकल जाए, जानती थी माँ भी कि पुरुष है कितना भी अपने आप को मजबूत दिल का साबित कर दे, परंतु स्त्रियों की तरह हर बात का जिम्मा अपने ऊपर लेने की ताकत आज भी पुरुष में कमी देखने को मिलती है। माँ ने बड़े प्यार से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ते हुए कहा, देख मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम दोनों अच्छे से अपना निरीक्षण करा लो, और अब तो साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है। आराध्या शुभ साहब सारी माँ बेटे की बात सुन रही थी। आज उसको पहली बार लगा कि सुशीला जी ने एक सास की जगह एक औरत की भांति अपने बेटे से बात की है, वह भी उन दोनों की बात में शामिल हो गई और अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रख कर बोली, देखिए कमी मुझ में होती तो भी शायद आप मुझे ना छोड़ते, और यदि कमी आप में निकलेगी तो उसमें भी कोई बात नहीं है, पर कम से कम हमको एक बार तसल्ली तो हो ही जाएगी कि असल में परेशानी की, और फिर दोनों मिलकर कोई नया रास्ता खोज लेंगे। हम सफर हैं, हम एक दूसरे के तो एक दूसरे की परेशानियों में हम एक दूसरे का साथ तो जरूर देंगे ना। माँ और आराध्या के मजबूत भरे हाथों के इस स्पर्श ने अनिरुद्ध में एक ताकत भी से भर दी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हम कल ही डॉक्टर के चलते। अनिरुद्ध की बात सुनकर शीला जी और आराध्या के चेहरे पर मुस्कान साफ साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों अक्सर विवाह के एक या डेढ़ बरस के बाद सिर्फ औरतों से बार बार घर में आने वाले नए मेहमान के बारे में पूछा जाता, मानो कि यदि नया मेहमान नहीं आ रहा इसमें सिर्फ उसी औरत की गलती है। जबकि आज भी हमारे समाज भी सत्य को मानने को काफ़ी लोग तैयार नहीं हैं कि संतान के होने में पति और पत्नी दोनों के स्वास्थ्य होने का होना अति आवश्यक है। आज भी हमारे समाज के अनेक पुरुष इस सच्चाई से भागते हैं, औरत पर ही पूरा दोषारोपण करते, ये एक अनुचित कदम है। आखिर कब तक हर चीज के लिए कि दोषारोपण सिर्फ स्त्री को ही दिया।